अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे गुड़ और दूध का शरबत। तो सबसे पहले हम दूध का शरबत बना लेंगे, दूध और कस्टर्ड का। मैं दूध ले लिए भगोने में। अब हम गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे, बॉईल आने तक इसको हम पका लेंगे। एक लीटर दूध है ये। ये देखिए बॉईल आ गया। अब इसको हम लो फ्लेम पे रख लेंगे। उबाल आने तक पका लेना। दूध में हिलाएंगे हम अच्छे से, नहीं तो नीचे से दाग लगता। अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे 100 ग्राम जितनी। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए, जितनी आपको मीठा पसंद है उतने वो हिसाब से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कस्टर्ड ले लेंगे, मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड ली मैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। 2 स्पून कस्टर्ड ले लेंगे हम, फुल स्पून। अब हम इसमें पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लम्स न रहे जैसा। इलायची पाउडर डाल देंगे, आधा स्पून से भी कम। मिक्स कर देंगे। इस मुहर्रम में इस शरबत को ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। अब जो हम कस्टर्ड मिला के रख लिए थे वो डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा हल्लू हल्लू डालेंगे। मिक्स करते हुए डालना। गैस की फ्लेम को लो पे रख दिए मैं। थिकनेस अपन चेक कर लेते हुए डाल सकते हैं। अगर आपको जितना मिक्स करें आप में उसका लिक्विड, अगर ज़्यादा दिख रहा आपको थिकनेस तो ज़्यादा मत डालिए। हर कस्टर्ड अलग अलग रहता। बहुत थिक नहीं रहना, ये लिक्विड की तरह ही रहना। ये देखिए इस तरह से रहना। दो मिनट के लिए पकाएंगे सिर्फ हम इसको। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दी मैं। ये देखिए बराबर इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, साथ में छान भी लेंगे हम इसको कस्टर्ड को। ये देखिए ठंडा होने के बाद में फ्रिज में रख दी थी मैं इसको। अब हम इसमें बर्फ़ डाल देंगे। अब हम इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, जो आप चाहे ड्राई फ्रूट्स डाल सकते, चॉप करके रख ली थी मैं, ये भी ऐड कर देंगे। बहुत मज़े का बनता है शरबत, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए आप भी। दूध और कस्टर्ड का शरबत बोलते हैं इसको। ड्राई फ्रूट डालने के बाद में मिक्स कर देंगे। अभी हम ग्लास में निकाल के सर्व करेंगे। ये देखिए ऊपर से गार्निशिंग कर लेंगे। रेडी हो गया दूध का शरबत, दूध और कस्टर्ड का। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम गुड़ का शरबत बना के रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं गुड़ को कट करके इस तरह से ले ली। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे मेल्ट होने के लिए। आधा किलो जितना गुड़ है ये। अब हम इसको पूरा मेल्ट होने तक छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। ये देखिए मेल्ट हो गया। अभी थोड़ा बचे हुआ है इसके नीचे, तो हम इसको अच्छा दबाते हुए ऐसा घोल लेंगे। जिस तरह से हम इमली का खट्टा मत्ते, उसी तरह से हम इसको भी इसी तरह से निकाल लेना इसका। ये देखिए इस तरह से दबा के निकालने से
मेल्ट हो जाता, मेल्ट हो गया पूरा। और थोड़ा पानी ऐड कर देंगे हम इसमें। इसमें कचरा वगैरह रहता तो हम इसको छान लेंगे। अब हम अंगार बना लेंगे। गांव में इसी तरह से बनाते गुड़ का शरबत। इस तरह से एक छोटी सी ठिलियाँ ले लीजिए, हम तो ठिलियाँ बोलते इसको, ऊद ले लेंगे थोड़ा सा। जो अंगार है उस पर हम ऊद को डाल देना। मेरे पास कोयले थोड़े थे इसलिए मैं थोड़ी अंगार बनाई, आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बनाइए जिससे धुआं ज़्यादा निकलता। ऊद डालने के बाद में ये जो हम ठिलियाँ हैं इसके ऊपर हौंदा मार देंगे, जो धुआं है पूरा ठिलिया में चले जाता पूरा। 5-10 मिनट तक छोड़ देना इसी तरह से। ये देखिए पूरा धुआं इसमें अंदर आ गया ऊद का। अब हम इसको ढक्कन ढाँप देंगे और जो हम गुड़ का शरबत बनाए थे ठिलिया में डाल देंगे पूरा। डाल के 5 और 10 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन ढाँप के छोड़ देंगे, पूरा फ्लेवर आ जाता है इसमें उसका। ये देखिए धुआं पूरा ऑब्जर्व हो गया। अब हम इसके लिए ग्रेटेड खोपरे को ग्रेट करके लिए मैं सौंफ ली, फूले चने की दाल ली, ये इसमें ऐड कर देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आता। गांव में पहले के लोग इसको मिट्टी के घड़े में बनाते थे। ये देखिए सब डाल दी मैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्लास में सर्व कर लेंगे। तो ये थे 2 ड्रिंक्स, मुहर्रम के शरबत, दूध और कस्टर्ड और गुड़ का शरबत। बहुत अच्छे बनते शरबत ये 2 शरबत, भी आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस मुहर्रम में। अगर मेरी वीडियो पूरी देखने के बाद आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और इस मुहर्रम में इस शरबत को ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।